दोस्तों, दंगल फिल्म के एक्टर आमिर खान की सबसे छोटी बेटी का किरदार निभाने वाली सुहानी भटनागर का निधन मात्र 19 वर्ष की अवस्था में हो गया। बताया जा रहा है कि उसके पूरे शरीर पर फ्लूड जमा हो गया था, जिसकी वजह से उसका मौत हो गया। दिल्ली के एम्स में उसका इलाज चल रहा था। सुहानी का अंतिम संस्कार 17 फरवरी को फरीदाबाद में किया गया। जी हाँ, जानते हैं सुहानी भटनागर के मौत की पूरी कहानी। जैसा कि आप सबों को पता है कि 2016 से पहले सुहानी भटनागर को कोई नहीं जानता था। 2016 में आमिर खान की फिल्म आई दंगल, जिसमें उसने आमिर खान की सबसे छोटी बेटी बबीता फोगट का किरदार निभाया था, और यहीं से इसकी करियर की शुरुआत हो गई। जी हाँ, इसके बाद इसे कई फिल्मों में काम मिला और टेलीविज़न पर ऑफर आया और कई एड्स में भी ये प्रचार का इसे ऑफर आया, लेकिन इसने सबको ठुकराकर इसके परिवार वालों ने इसके पढ़ाई पर फोकस किया कि पहले पढ़ाई करो, उसके बाद फिल्मी दुनिया में जाना। लेकिन सुहानी के मौत का खबर से पूरे बॉलीवुड हैरान है। जी हाँ, दंगल गर्ल की मौत का कारण एक पुराना हादसा है, जिसे हम आपको बताते हैं। दंगल गर्ल सुहानी भटनागर कुछ समय पहले एक्सीडेंट कर गई थी, जिससे उसका पैर जो था वो फ्रैक्चर हो गया था। इलाज के दौरान सुहानी ने जिन दवाओं का सेवन किया, उसका दुष्प्रभाव उसके बॉडी पर पड़ने लगा। धीरे धीरे वो दवा इसके बॉडी पर इतना गहरा असर देने लगा कि इसके शरीर में पानी जमने लगा। हल्का हल्का इसके शरीर पर फोड़ा फुंसी उभरने लगा और उसमें पानी जमने लगा। शुरू में तो लगा कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये साधारण ऐसे ही चकत्ता है जिसका इलाज हो जाएगा। फरीदाबाद में इसके पिता ने इसे इलाज के लिए कई डॉक्टरों को दिखलाए, फिर वो ठीक नहीं हुआ। धीरे धीरे ये जो इन्फेक्शन था पूरे शरीर में बढ़ते गया। जब इसकी हालत ख़राब होने लगी तो इसे दिल्ली एम्स में इसको एडमिट कराया गया, और लेकिन ये बीमारी जो था वो धीरे धीरे और सुहानी को अपने करीब जो था वो सिमट रहा था। धीरे धीरे सुहानी जो था थी वो मौत के आगोश में चलती चली गई, और आमिर खान की सबसे छोटी बेटी यानी कि बबीता फोगट और वास्तविक जीवन में सुहानी भटनागर धीरे धीरे मौत के आगोश में चली गई। और ब्लैक वास्टर फिल्म दंगल की इस बेहतरीन कलाकार, एक बेहतरीन अदाकारा, एक बाल कलाकार का दर्दनाक मौत हो गया। दोस्तों, इस बाल कलाकार के मृत आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे, ताकि इस बच्चे की मृत आत्मा को शांति प्रदान किया जा सके। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। हम आपसे अनुमति चाहते हैं, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद।